हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, ये पोशाक ना मेरे पास बहुत पहले आ गई थी, मतलब 1 मंथ होने जा रहा है मुझे ऐसा लगता है, और 1 मंथ से कुछ ऐसा चल रहा था ना, कभी मैं लखनऊ, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, तो बड़ी खिचड़ी सी जिंदगी पकी हुई है। तो उस वजह से ना ये वीडियो लेट हो गया, तो आई एम रियली सॉरी। सगुन जी समझती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको बता रखा है, तो अगर वो जानती हैं तो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन में ड्रेस है, मतलब वो मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, कुछ लोगों को बात अब बुरी भी लगने लगी है, तो कि सगुन जी की जो ड्रेस के कलर कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो भाई बड़े कमाल के होते हैं, और बहुत प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है। और इस ड्रेस को मैं अभी जब देवशयनी एकादशी होगी ना, उस दिन मैं ज़रूर पहनाऊंगी। तो बहुत प्यारा कलर है, हमारे ठाकुर जी का प्रिय कलर है ये। ये वैसे शी ग्रीन जिसे हम बोलते हैं, वो कलर है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डार्क दिखता, पता ठीक है, ये ऐसा ही है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली वही कलर है, ठीक है। तो ये तो पोशाक आई है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, और लड्डू गोपाल जी के लिए काफ़ी लंबे टाइम बाद पोशाक आई है। और कल लड्डू गोपाल जी को शिकायत हुई हमारी सगुन जी से, क्या क्या गलती लेती हो भाई, कैसी ललकी हो, इतने दिनों दिनों में पोशाक बना के भेज रही हो। ये कॉटन की बहुत ही प्यारी, बहुत ही हल्की और लाइट वेट पोशाक है। आप देखिए इसका डिज़ाइन, इस पर बहुत ही प्यारे से जो है वो लेस वगैरह लगाई है उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे अलग प्रिंट है, ये लेस लगी है, और ये जो है वो अलग वो है। और देखिए पीछे से कोई मतलब ऐसा हैवी कपड़ा नहीं, कोई बकरम नहीं, बहुत कंफर्टेबल पोशाक है ये। और मानसून का सीज़न जैसे हमारे यहाँ तो थोड़ा सा बारिश वारिश अच्छे से हो गई है इस समय, तो ये उनका ठाकुर जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का पटका है, और सेम इसी का जिसका बॉर्डर बना हुआ है, मैं आपको ऐसे दिखाती, जिसका बॉर्डर बना हुआ है उसी का उन्होंने जो है वो पटका बनाया हुआ है लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये बनाई हुई है चोली, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और ऐसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पोशाक बहुत प्यारी लग रही भाई, बहुत सुंदर। और उसके बाद आपकी जिया जी की फेवरेट चीज़ जो बड़ा मिस करते हैं वो सगुन जी की पोशाक में, वो हैं उनकी टॉफियाँ। देखिए टॉफियाँ ही टॉफियाँ, अलग अलग फ्लेवर की टॉफियाँ। सब लालची हो गए हमारे घर में, सब एक तरफ से लालची हो चुके हैं। और इस एक महीने में इस बात के लिए बहुत झगड़ा चला कि तुम पोशाक खोलो, मैं कहा मैं पोशाक खोलूँगी, पोशाक ना उसकी प्रेस गड़बड़ हो जाती, मैं नहीं खोलूँगी, इकट्ठा खोलूँगी, तब आप खाइएगा टॉफियाँ, अभी रहने दीजिए। तो खैर काफ़ी दिन बहस चली, अंत में वो करे यार आप खोल दो, बस करो, बहुत हो गया, नहीं तो मैं ही खोल के खा जाऊँगा। मैं कहा नहीं नहीं मैं खोलती हूँ भैया, आप मत खोलना, आप मत खोलो, नहीं तो आप निपटाई देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये पोशाक ना, आप यकीन मानिए बहुत सुंदर पोशाक है ये, हमारे ठाकुर जी का जो है वो पजामा है, बहुत प्यारी पोशाक है ये। और ये है उनका जो है वो चोली, ठीक है, और ये है क्या बोलते हैं कांचनी, हाँ ये हमारे ठाकुर जी की पोशाक है कन्हैया जी की। और इसके साथ बहुत ही सुंदर सा ये आया है पगड़ी का कपड़ा, ठीक है, तो ये आ गया है उनके लिए पगड़ी का कपड़ा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत सुंदर पोशाक है, सच में ये बहुत सुंदर पोशाक है, और प्योर कॉटन में है बिल्कुल, अंदर से आप देखें ऐसा नहीं कि अंदर से कोई अलग से कपड़ा लगाया है या कैसे, सगुन जी ना बहुत भाव से पोशाक बनाती हैं ठाकुर जी के लिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए। सबके अपने अपने भाव होते हैं, लेकिन कुछ अलग ही है। बहुत सुंदर पोशाक है ये, बहुत प्यारी, मुझे बहुत पसंद आई सच में, मैंने इसे इतने दिन से खोला नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आज खोला ये। बहुत सुंदर पोशाक है। अब मैं आपको दिखाती राधा रानी की पोशाक, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा राधा रानी का एकदम घेरे वाला लहंगा, ये देखें, और ये पीछे से पूरा बंद हो जाता है, कलर कॉम्बिनेशन देखें आप कितना प्यारा है, बहुत सुंदर पोशाक है भाई, बहुत सुंदर। सो इस तरीके का देखिए, इसमें भी कोई अलग से अस्तर नहीं, प्योर कॉटन की पोशाक है ये, और बहुत सुंदर है इसका ब्लाउज, बहुत सुंदर है ये देखिए, पीछे से एकदम डोरी वाला ब्लाउज बनाया है ऐसे, ये देखें पीछे से एक डोरी दो डोरी, और ये उनके फ्रंट पर डोरी आ जाएगी बैक में गले के साइड। सो ये है हमारी राधा रानी की पोशाक, जो कि बहुत सुंदर है भाई, अमेजिंग, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत कमाल की पोशाक है, कुछ भी कहूँ मैं, बहुत सुंदर पोशाक है। और ये हैं दो दुपट्टे, दुपट्टे मैं पूरा अभी नहीं खोलूँगी, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको खोला इसकी प्रेस बिगड़ जाएगी। तो मैं आपको पहना के दिखाऊंगी सीधा, मैं इसमें काम नहीं बढ़ाना चाह रही हूँ। और ये है एक और दुपट्टा,
तो ये दो दुपट्टे आए हैं और ये है हमारे ठाकुर जी की कंप्लीट ऑल ओवर पोशाक। मैं आपको एक बार सारी पोशाक अच्छे से रख के दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आपको ना उनका पट्टा नहीं दिखा पाई थी, तो मैं आपको उनका पट्टा भी दिखाती हूँ। और शगुन जी कौन है हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट अब सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताऊँ, शगुन जी मेरी रिश्तेदार है। ये मजाक हो गया, शगुन जी एक बहुत अच्छी इंसान है। रिश्ते तो यार देखिए क्या है ना, रिश्ते वो होते हैं जिन्हें आप मान लेते हैं, बकाए कि जब आपका बुरा वक्त होता है ना तो कभी कभी खून के रिश्ते भी पीछे हट जाते हैं, आपकी मदद नहीं करते। तो रिश्ते बस वो हैं जो दिल से साथ निभा रहे हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं हर भरे अच्छे भले बुरे वक्त में, बस रिश्ते यही हैं और कुछ नहीं, और सब मोह माया है। और बकाए कि ठाकुर जी के भक्त आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर रिश्ता बनाना नहीं पड़ता, रिश्ता बना बनाया सा ही होता है। शगुन जी बहुत अच्छी ड्रेस कस्टमाइज़ करती हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और पंजाब से हैं और ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। इतनी बड़ी भक्त हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत बड़ी भक्त है, ये सच है। और ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को उन्होंने समर्पित भी कर रखा है। तो ऐसा नहीं कि जो पोशाक आप यहाँ देख रहे हैं आपको कुछ और बना के देंगी, नहीं नहीं, जो यहाँ आइए बिल्कुल यही आपको बना के देंगी। सो बहुत सारे लोग उनसे पोशाक लेते रहते हैं, तो ये देखिए ये है पूरी पोशाक हमारी ठाकुर जी की, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक खास चीज़ इनकी पोशाकों में क्या होती है, पोशाक की फिटिंग, पोशाक में सिलाई, पोशाक का कलर कॉम्बिनेशन, और इन सबसे बड़ी बात वो ये है कि पोशाक इतनी कंफर्टेबल होती है, जैसे हम अपने लिए सोच रहे होते ना भाई कुछ कंफर्टेबल सा पहने, हमें कुछ अच्छा सा पहनना है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी सोच से वो पोशाक बनाती हैं और इसी सोच से पोशाक पे काम करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से उनका काम है, बहुत सफाई से काम करती हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। और आप लोग शगुन जी से बिल्कुल पोशाक रेडी करवा सकते हैं, मेरी तरफ से तो हमेशा 10/10 रहता है, बल्कि 10/10 क्या दूँ मैं आपको, 100 में से 100 ही है, ऐसी पोशाक कस्टमाइज़ करते हैं। और अगर आप शगुन जी की पोशाक के और वीडियो देखने चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा। और ऐसा ही नहीं क्योंकि बड़ी पोशाक बहुत सुंदर बनाती है, छोटी छोटी पोशाक भी, जैसे हमारे जो इसके पूर्व जो राधा कृष्ण जी का श्री विग्रह था जो कि खंडित हो गया, वो बहुत छोटा विग्रह था, 8 इंच का था, उसमें शगुन जी पोशाक बनाया करती थी, आप उनको देखिएगा बहुत अमेजिंग पोशाक बनाती हैं। सो खैर, उनके हाथ की सफाई का और काम का तो खैर कोई वो है ही नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं है आपस में। सो दोस्तों, मैं नंबर उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर चेक करिएगा आप लोग, और बहुत अच्छी पोशाक कस्टमाइज करती हैं। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे एंड बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें।